रायपुर राजधानी पत्रकार के ऊपर हुए जानलेवा हमले के गिरफ्तारी को लेकर आज नाराज पत्रकारों ने प्रतिनिधियों के साथ प्रेस क्लब के अध्यक्ष दामो अंबेडकर के नेतृत्व में एसपी और कलेक्टर से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपकर होटल संचालक और सारे आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग की। मामला महादेव घाट था, तब मधुबन होटल का है। पत्रकार अभिषेक झा बीती रात घर लौटते वक्त मधुबन होटल में रुके, वहां स्टाफ से मामूली विवाद हुआ, तभी होटल के संचालक के साथ मामूली विवाद हुई, उसके बाद होटल संचालक और स्टाफ के द्वारा पत्रकार अभिषेक झा को पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया था, जिसकी इलाज एक निजी हॉस्पिटल में चल रही है, जिसकी हालत बहुत गंभीर है। मामूली वाद विवाद को लेकर होटल के संचालक के द्वारा पत्रकार को पीट पीट कर अधमरा कर दिया। जब पत्रकार बुरी तरह से घायल हो गया तो आरोपी वहां से भाग खड़े हुए। लगातार हो रहे पत्रकारों पर जानलेवा हमले को लेकर पत्रकार संघ लगातार शासन से पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग करते हुए आ रहे हैं, पर शासन के द्वारा अभी तक पत्रकार सुरक्षा कानून बनाने के लिए विचार भी शुरू नहीं कर सकी। दिन ब दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, ऐसे में पत्रकारों की जान खतरे में है जो रात देर रात घर को लौटते हैं। शासन जल्द से जल्द पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए। CNI न्यूज रायपुर से छोटू यादव की रिपोर्ट। बीजापुर माओवादियों ने की समाजवादी पार्टी के नेता संतोष पुनेम की हत्या कर दी। कल देर शाम अपहरण कर अपने साथ ले गए थे माओवादी, आज सुबह धारदार हथियार से हमला कर दी वारदात को अंजाम। सूचना मिली है, पुलिस टीम घटनास्थल के लिए किया गया रवाना। दिव्यांग पटेल एसपी बीजापुर इलमिडी थाना क्षेत्र के मरिमल्ला गांव बके नजदीक नक्सलियों ने दिया वारदात को अंजाम। CNI न्यूज बीजापुर से बासुकी ठाकुर की रिपोर्ट। कोंडागांव नशे में धुत पति में अपनी पत्नी की हत्या। कोंडागांव घटना थाना क्षेत्र फर्सगांव के अंतर्गत ग्राम पंचायत गट्टी पलना के प्लाटपारा का है, जहां नशे में धुत पति ने बीती रात अपनी पत्नी की हत्या कर दी। थाने से मिली जानकारी के अनुसार मृतिका सामोबाई मरकाम उम्र 35 वर्ष एवं पति राजूराम मरकाम उम्र 40 वर्ष, दोनों पति पत्नी 17 जून रात को दोनों ने शराब पी रखी थी और आपस में लड़ रहे थे, और इस दौरान उनके बीच हाथापाई भी हुई और तैश में आकर पति राजूराम ने पत्नी सामोबाई की बांस के डंडे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई। घटना की जानकारी गांव के सरपंच व ग्रामीणों ने सुबह फर्सगांव थाने में दी। खबर सुनते ही पुलिस मौके पर पहुंच आरोपी को अपने कब्जे में लेकर मृतिका के शव का जांच पंचनामा कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस द्वारा आरोपी गिरफ्तार कर पूछताछ करने में जुट गई। पड़ोसियों के कहना है आरोपी इससे पहले भी हमेशा ही नशे की हालत में अपनी पत्नी से मारपीट करता था। आरोपी और मृतिका के 3 बच्चे हैं, एक लड़की और 2 लड़के हैं। बड़ी लड़की दिव्या उम्र 18 इस वर्ष 11वीं कक्षा में, दूसरा लड़का दिलीप 15 इस वर्ष 10वीं में, और वहीं छोटा बेटा दीपेंद्र 13 इस वर्ष कक्षा 8वीं अध्ययनरत था। घटना के दिन बड़ी लड़की दिव्या और लड़का दिलीप ग्राम कोटवेल नाना के घर गए हुए थे और छोटा बेटा दीपेंद्र गाँव में अपने दादा के पास गया हुआ था। CNI न्यूज कोंडागांव से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। कोंडागांव जनपद अध्यक्ष पद पे कांग्रेस का हुआ कब्जा। कोंडागांव जनपद पंचायत कोंडागांव की अध्यक्ष सुश्री सरिता पोयाम की शासकीय सेवा में नियुक्ति होने के कारण उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिस वजह से पुनः अध्यक्ष पद हेतु चुनाव संपन्न हुआ तो समस्त सदस्यों ने कांग्रेस समर्थित सुश्री संगीता मराव को निर्विरोध चुन लिया। ज्ञात रहे 10 महीने पूर्व 2 जनपद सदस्यों दहीकुंगा व पल्ली के उपचुनाव में कांग्रेस समर्थित प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, जिसके चलते कांग्रेस के सदस्यों का बहुमत हो गया था और इसी वजह से रिक्त हुए अध्यक्ष पद पर कांग्रेस ने निर्विरोध बाजी मार ली। सुश्री संगीता मरापी के अध्यक्ष पद पर निर्वाचित होने पर सांसद दीपक बैज, विधायक मोहन मरकाम, विधायक चंदन कश्यप, जिला पंचायत अध्यक्ष देवचंद मातलाम, जिला अध्यक्ष रवि घोष, नगर पालिका उपाध्यक्ष मनीष श्रीवास्तव, प्रदेश संयुक्त महामंत्री शांति लाल सुराना, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष बुधराम नेताम सहित समस्त पदाधिकारियों कार्यकर्ताओं समस्त जनपद सदस्यों ने बधाई दी। CNI न्यूज कोंडागांव से गिरीश जोशी की रिपोर्ट। बलौदाबाजार 40 पैकेट गांजा के साथ एक आरोपी गिरफ्तार, एक फरार। बलौदाबाजार जिला के थाना बिलाईगढ़ को बड़ी सफलता मिली है, गांजे की तस्करी करने वाले आरोपी को धर दबोचा है। मुखबिर की सूचना से उड़ीसा की तरफ से आ रही स्पार्क कार CG04A7700 में गांजा भरकर छत्तीसगढ़ खपाने लाया जा रहा था। बिलाईगढ़ में नाली निर्माण का कार्य चल रहा है, उसी दौरान नाकाबंदी गाड़ी की तलाशी ली गई। गाड़ी के अंदर ओडिशा पासिंग का 2 नंबर प्लेट और 40 पैकेट गांजा बरामद किया, कुल वजन 39 किलो 200 ग्राम, जिसकी अनुमानित कीमती 1,56,000 आंकी जा रही है। साथ ही साथ कार जब्ती गई है।
बताया जा रहा कार में दो आरोपी थे। एक आरोपी मौके का फायदा उठाकर फरार हो गया और एक आरोपी पकड़ा गया। पकड़े गए आरोपी के प्रति एनडीपीएस एक्ट की धारा के तहत अपराध कायम कर कार्यवाही की जा रही है। कल दिनांक 18/6/2019 को मुखबिर शाम 4 बजे के आसपास थाने में आकर सूचना दिया कि उड़ीसा की तरफ से स्पाइस कार क्रमांक CG04AE 7700 में दो व्यक्ति हंसीर के रास्ते बिलाईगढ़ तरफ गांजा लेकर आ रहा है। सूचना पर विधिवत कार्रवाई करते हुए एडीपी महोदय को सूचना भिजवाकर आरोपी एवं माल के भाग जाने के अंदेशा पर स्वयं एवं स्टाफ तथा गवाह करण साहू संत कुमार साहू के रेड कार्रवाई एवं नाकाबंदी के लिए रवाना हुआ। बिलाईगढ़ इंदिरा मार्केट के पास नाली निर्माण कार्य चल रहा है, जहां पर रोड में आवागमन बाधित हो रहा था तथा भागने का वहां पे मौका नहीं मिलने से वहीं पे मौका देखते हुए नाकाबंदी किए। कुछ देर बाद सूचना दिए वाहन आया, जिसे स्टाफ एवं गवाहों के साथ रोके तथा ड्राइवर को मुखबिर सूचना से अवगत कराकर गाड़ी की तलाशी की सहमति लिए और गाड़ी की तलाशी विधिवत ली गई। गाड़ी की डिक्की में 40 पैकेट झिल्ली पैक किया हुआ मादक पदार्थ गांजा बरामद हुआ तथा गाड़ी के अंदर 2 नंबर प्लेट उड़ीसा पासिंग का मिला। जिसे गांजा बरामद हुआ जिसे प्रकरण में जब्त की गई है तथा मादक पदार्थ गांजा का तौल कराया गया, जो मादक पदार्थ गांजा 39 किलो 200 ग्राम कीमती 1,56,000 रुपये की आंकी गई है। आरोपी से आरोपित वाहन जिसमें परिवहन किया जा रहा था कार को भी जब्त की गई है। कार की वैल्यू 2,50,000। आरोपी के विरुद्ध एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। कितने आरोपी पकड़े गए? आरोपी द्वारा पूछताछ पर एक आरोपी को भीड़ देख कर उतर कर पहले ही भाग जाना बताए हैं, जिनकी पता तलाश की जा रही है। CNI न्यूज बलौदाबाजार से प्रदीप देवांगन की रिपोर्ट। बिलाईगढ़ विकासखंड स्तरीय योग प्रशिक्षण हुआ संपन्न। पंचम अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विकासखंड स्तरीय एक दिवसीय योग प्रशिक्षण का आयोजन सामुदायिक भवन बिलाईगढ़ में हुआ, जिसमें ब्लॉक के 150 प्रशिक्षार्थी शिक्षक शिक्षिकाएं एवं पंचायत सचिव प्रशिक्षण में भाग लिए। प्रशिक्षण के मुख्य प्रशिक्षक भागवत प्रसाद सा, हुआ सहयोगी प्रशिक्षक कलेश्वर साहू एवं कुमारी कल्पना भोई ने शिथिलीकरण अभ्यास, योगासन में खड़े होकर किए जाने वाला आसन जैसे वृक्षासन, ताड़ासन, पादहस्तासन, त्रिकोणासन तथा बैठकर किए जाने वाला आसन भद्रासन, वज्रासन, उष्ट्रासन, वक्रासन एवं लेटकर किए जाने वाला आसन मकरासन, भुजंगासन, पवन मुक्तासन आदि को बताया। पाल भाती, प्राणायाम में नाड़ी शोधन, शीतली व भ्रामरी प्राणायाम तथा ध्यान मुद्रा के बारे में समझाया। मास्टर ट्रेनर भागवत साहू ने बताया कि स्वस्थ निरोगी व सुखी जीवन जीने के लिए हर व्यक्ति को योग से जुड़ना पड़ेगा, तभी जीवन सुखमय होगा और सुखी जीवन प्राप्ति का एक मार्ग योग है। अंत में संकल्प के साथ शांति पाठ कराए गया। प्रशिक्षण के दौरान उपस्थित श्री SD मानिकपुरी BRC बिलाईगढ़ ने संबोधित करते हुए बतलाया कि एक स्वस्थ और सुखी समाज व राष्ट्र का निर्माण तभी संभव है जब हर व्यक्ति निरोगी हो। व्यक्ति निरोगी तभी रहेगा जब वह योग से जुड़ेगा। योग की महत्ता को जन जन तक पहुंचाने हेतु प्रशिक्षार्थियों से अपील किया तथा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस एक साथ मनाने हेतु निर्देश दिए। प्रशिक्षण के दौरान अजित पटेल, बंशीधर मिश्रा, आशीष शर्मा, वैशाखू साहू, बुधनी अजय, नरेंद्र साहू आदि प्रशिक्षार्थी उपस्थित हुए। CNI न्यूज बिलाईगढ़ से प्रदीप देवांगन की रिपोर्ट। जालौर पेड़ से लटका मिला शव। जालौर भीमाल के निकट सेरना गांव में एक युवक का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। जानकारी अनुसार सेरना निवासी मुकेश कुमार पुत्र जयपाराम मेघवाल का शव पेड़ से फंदा लगा हुआ मिला। पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया गया। पुलिस की ओर से मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। CNI न्यूज जालौर से उम्मीद सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। जालौर युवक की नाले के पास गड्ढे में गिरने से मौत। जालौर सायला न्यू बस स्टैंड पर सड़क के निर्माणाधीन नाले के पास एक गड्ढे में गिरने से एक शराबी की मौत हो गई।
जानकारी के अनुसार दरगाराम पुत्र डूंगराराम जटिया सायला ने रात्रि अधिक शराब पीने के कारण घर जाते समय नशे में धुत होने से गड्ढे में गिर गया, जिससे नाले डूबने से मौत हो गई। सुबह राहगीरों ने लाश दिखाई देने पर परिजनों व पुलिस को जानकारी दी। सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी में रखवाया व शव का पोस्टमार्टम कर शव परिजनों को सुपुर्द किया गया। CNI न्यूज जालौर से उम्मीद सिंह राजपुरोहित की रिपोर्ट। देपालपुर कृषि विभाग ने समारोह कर सोयाबीन बीज वितरण किया। देपालपुर गौतमपुरा नगर के कृषि विभाग कार्यालय पर कृषि विभाग में समारोह आयोजित कर सूरज धारा के तहत किसानों को सोयाबीन का बीज वितरण किया। समारोह के अतिथि जिला कांग्रेस के उपाध्यक्ष इंदर सिंह नागर, रवि पाटीदार थे। वरिष्ठ ग्रामीण कृषि अधिकारी भरत पाटीदार ने बताया, सूरज धारा योजना के तहत 100 से अधिक महिला पुरुष किसानों को 75% अनुदान पर किसानों को 30 किलो सोयाबीन का बीज दिया। इस अवसर पर पाटीदार ने कृषि विभाग द्वारा किसान हित में चलाई जा रही योजना का विस्तार पूर्वक जानकारी दी। अंत में अतिथियों ने सभी पात्र किसानों को बीज वितरण किया गया। समारोह में बड़ी संख्या में किसान उपस्थित थे। CNI न्यूज देपालपुर से राहुल राठौर। हम हैं आपका विश्वास, हम हैं आपकी आवाज, हम जरिया हैं आपकी भावनाओं का, हम हैं आपका भरोसा। खबर से लेकर असर तक हम दिखाते हैं बुरी खबर। हमें CNI न्यूज़।